नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचुरोपैथी थेरेपीज़ के बारे में और जानेंगे कि कितनी मददगार होती हैं ये नेचुरोपैथी की थेरेपीज़ जो कि हमें अक्सर देखने को सुनने को मिलती हैं। तो नेचुरोपैथी थेरेपीज़ में बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, कभी मड बाथ थेरेपी हो रही है, कभी कोई और थेरेपी हो रही है। जो भी थेरेपी बॉडी की बाहर से काम कर रही होती है उसका कोई भी किडनी फेलियर पेशेंट को नुकसान नहीं होता। कब तक नहीं होता? जब तक कोई ठंडी चीज़ बॉडी के साथ नहीं आती कॉन्टैक्ट में। मान लो कि आप ठंडे पानी में नहा लिए या फिर आपने मड बाथ में आपने लिया और उसके बाद बॉडी बहुत ठंडी हो गई या फिर आपको बुखार आ गया, तो उस कारण से आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो जंप जरूर कर जाएगा। जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे किडनी ख़राब नहीं हो रही, सिर्फ बुखार आने की वजह से क्रिएटिनिन लेवल जंप करते हैं, नंबर वन थिंग। दूसरी चीज़, जब हम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि खाना पीना बहुत बदल जाता है। अन्न को पूरा तरह से बंद करवा दिया जाता है, ना गेहूँ खाना है ना चावल खाना है। जब हम गेहूँ चावल खाना बंद कर देते हैं तो हम एक कॉमन दिक्कत देखते हैं कि पेशेंट का जो वज़न है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप कोई भी थेरेपी लेते हो, कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो, अगर आपका वज़न गिरता जा रहा है तो वो सबसे बड़ी घंटी होता है जो ये बता रहा होता है कि अब आपकी बॉडी वीक होती जा रही है। किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किडनी अगर ख़राब हो रही है तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है पूरी ख़राब होने के बाद वो डायलिसिस ही होता है। आज मेरी किडनी ख़राब हो रही है, मेरी प्रोबेबिलिटी डायलिसिस की होती है। अगर मैं किडनी को ठीक करना भी चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बॉडी को कमज़ोर कर लूँ, क्योंकि अगर मेरी बॉडी कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वीक हो जाएगी, मेरा बॉडी का वेट 40 किलो 45 किलो 50 किलो हो जाएगा, बॉडी इतनी वीक होने पर डायलिसिस लाइक नहीं बचती है। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी अगर बॉडी हेल्दी है तो उसके अंदर ख़राब किडनी भी अच्छा काम कर जाएगी, मगर अगर आपकी बॉडी वीक है तो उसमें अच्छी किडनी भी कम काम करेगी, क्योंकि जो खाना आप खाते हो अपने शरीर को देते हो वही खाना आपकी किडनी को मिलता है। किडनी का खाना अलग से नहीं होता। तो अगर आप खाने के अंदर अच्छे अच्छे फल खा रहे हो, अच्छी अच्छी सब्जियाँ खा रहे हो और अच्छी अच्छी फल और सब्जियाँ सोच के ये सोच रहे हो कि इससे मेरा शरीर चल जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता। आप जब बीमार हो, आपका बॉडी अगर वेट लूज़ करना स्टार्ट कर देगी तो आपकी बॉडी में वीकनेस बढ़ेगी, खून कम होगा, आपकी बॉडी में टोटल प्रोटीन कम होगा, पैरों में सूजन आएगी और वो सूजन फिर जब पैरों से निकलते हुए फिर आपके लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाता है। आपने हमेशा ध्यान के रखना है, आपने अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। अगर आप बीमार नहीं होना चाहते, किडनी फेलियर के पेशेंट नहीं बनना चाहते, तो नेचुरोपैथी से आप शुरुआत कर सकते हो। मगर अगर आपकी किडनी ख़राब होनी शुरू हो गई हैं और आप सोच रहे हो कि खाना पीना रोक कर, सिर्फ फ्रूट्स पर जाकर या फिर अनाज पूरी तरह से बंद कर कर मेरी बॉडी सर्वाइव कर जाएगी या फिर मेरा डायलिसिस नहीं होगा मुझे, तो ये आप गलत फहमियों में जी रहे हो। आपको समझने की ज़रूरत यह है कि अगर किसी भी पेशेंट को हमने डायलिसिस से बचाना होता है तो हमारे पास एक ही रास्ता होता है, वो है किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना। किडनी कमज़ोर ऑर्गन है एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में, उसको हमें खाना देना पड़ेगा। जब हम उसे खाना देंगे तो वो काम अच्छा करेगी, जब उसे खाना ही नहीं देंगे तो वो कम काम करेगी। तो अक्सर हम क्या देखते हैं, अगर पेशेंट खाना पीना बहुत कम कर देता है, फ्रूट वेजिटेबल्स पर ज़्यादा रहता है, अनाज पूरा बंद कर देता है, वेट लॉस कर रहा है, तो शुरुआती कुछ दिनों में हम देखते हैं कि क्रिएटिनिन जो है वो थोड़ा सा घटता है, पेशेंट की बॉडी वीक फिर भी साथ साथ हो रही है। अब क्रिएटिनिन बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है, पेशेंट की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि पेशेंट ने खाना ढंग से खाया नहीं, पेशेंट की बॉडी में वीकनेस है। जब पेशेंट की बॉडी में वीकनेस है तो उसकी किडनी में भी ऑटोमेटिक तरीके से वीकनेस बढ़ गई, इसी वजह से जो किडनी का काम करने की क्षमता है वो और घट गई और लेवल हमारे गए बढ़। तो हम हमेशा अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं। जब हम बीमार होते हैं, बुखार होता है, तो हमें खाना मम्मी देती कहती है ना, खा लो, खाना पीना छोड़ना नहीं है, खाना पीना छोड़ दोगे तो और वीकनेस आएगी। सेम फंडामेंटल्स किडनी पेशेंट पे भी लगते हैं। बीमारी पेशेंट को कमज़ोर कर रही है। खाना पीना अगर आपने कमज़ोर करने वाला खाया तो आप परेशानी में फंसोगे। आपको बस ध्यान रखना होता है वो है अपने प्रोटीन की मात्रा में, कि कितना प्रोटीन आप डेली बेसिस पे ले रहे हो। मान लो कि आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा इंटेक कर रहे हो तो आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? यहाँ किडनी ख़राब होने से आपका क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ रहा, क्रिएटिनिन लेवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपने जो प्रोटीन का खाना इंटेक किया था वो क्रिएटिनिन में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है। हमने ध्यान ये रखना होता है कि हमें प्रोटीन की जगह अपने खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स डालने पड़ते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो है आपके अनाज, गेहूँ और चावल।
तो अगर आप अपने गेहूं चावल को बनाए रखते हो तो भी आपका क्रिएटिनिन लेवल बहुत अच्छी तरीके से डाउन होता है बिना वेट लॉस के, बिना वीकनेस के। मैं आपको कुछ पेशेंट से मिलवाना चाहता हूं जिनको मिलकर आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपका खाना किस तरह से आपकी मेडिसिन बनकर काम करता है। आपको सही चीज़ों पे एक्ट करना पड़ता है और आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग। तो रमेश जी, पहले ये बताइए, आप रहते कहाँ हैं? अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर में रहते हैं। और आपका ट्रीटमेंट शियास में कब शुरू हुआ था? फरवरी के आसपास में। फरवरी में। हाँ। और क्रिएटिनिन के लेवल्स आपके डायलिसिस से पहले कितने रहते थे? 17 के आसपास। और हफ्ते में कितनी बार डायलिसिस हो रहा था फरवरी में? फरवरी में तीन बार डायलिसिस करवा रहे थे। तो ये डायलिसिस कब से चल रहा था आपका, फरवरी से पहले? बस फरवरी से ही शुरू, फरवरी में शुरू हुआ था। और अब आपका डायलिसिस हफ्ते में कितनी बार हो रहा है? अब 15 रोज में हो रहा है एक बार। और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, कितनी बार आपको ज़रूरत है? अब तो मतलब 15 रोज में या एक महीने के में? महीने में एक बार बोल रहे हैं। देखो, जो आपके लेवल है उसके हिसाब से आपको आज की तारीख में भी एक भी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका खून अब गंदा ही कम होता है। अब आपका खून का जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 6 ही रहता है। तो हम बस 5-6, चाहे आप डायलिसिस करवाओ चाहे आप ना करवाओ, वो 5-6 से ऊपर वो नहीं जा रहा है। तो आपने खुद देखा, अगर हम अपनी किडनी पे काम करते हैं, सही तरीके से उसको हम सपोर्ट देते हैं, तो ना सिर्फ आपका डायलिसिस बंद होता है बल्कि क्रिएटिनिन भी बढ़ना बंद हो जाता है। मगर ज़रूरी बात है कि रमेश सिंह जी यहाँ तक पहुँचे ही क्यों, है ना? किडनी को ऐसा क्या हुआ कि किडनी ने काम करना बंद कर दिया? तो जो हम आपके रिकॉर्ड्स देख पा रहे हैं उसके अंदर आपका जो मेन कारण था वो था आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था उसकी वजह से किडनी को थोड़ा थोड़ा नुकसान होता जा रहा था, जिसकी वजह से किडनी जो इतनी ख़राब हो गई कि उसने काम एक जो फरवरी में बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी जी। इसी वजह से किडनी ने आपका 17 के आसपास टच कर रहा था। तो जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया तो उसके बाद जैसे जैसे किडनी काम करने आई तो नंबर ऑफ डायलिसिस कम हुए, क्रिएटिनिन कम हुआ। अब आपको किसी भी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है? नहीं है। वजन? वजन तो इतना ही चल रहा है, 71, 1-2 किलो कम ज़्यादा। किसी टाइप की कमजोरी शरीर में? नहीं, कोई खास नहीं है। खाने में क्या आपने दालें बंद करी? नहीं, दाल भी खा रहे हैं, लौकी खा रहे हैं, सारी सब्जियाँ खा रहे हैं। हाँ। कोई अनाज बंद किया आपने? नहीं। गेहूँ बंद किए, चावल बंद किया? नहीं, चावल भी लिया, गेहूँ भी लिया। अब शरीर बढ़िया से चलता है? हाँ, ठीक है अभी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना वजन नहीं गिराना, आपने अपने आप को कमज़ोर नहीं करना, क्योंकि अगर हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है तो डायलिसिस को झेला नहीं चाहता। अगर सपोज करो मुझे आपका डायलिसिस करवाना है और मैं आपका खाना पीना बंद कर दूँ, आपको मैं जो बाजरा पे डाल दूँ, आपका शरीर बहुत तेज़ी से कमज़ोर होता है और जो भी आप चलकर आए हो वो चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि किडनी शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। जब आप शरीर के लिए खाना खा रहे हो तो किडनी को भी खाना मिल रहा है, जब उसे खाना अच्छा मिल रहा है, ताकत मिल रही है, तो वो काम अच्छा करेगी। आप शरीर को खाना मत दो और ये सोचो कि किडनी को खाना अलग से मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। जब कोई पेशेंट घिया तोरी टिंडा सिर्फ ये 3 सब्जियाँ खाता है या फिर वो बहुत ज़्यादा अनाज छोड़ देता है, मिलेट्स पे रहता है, तो शरीर में कमज़ोरी शुरू हो जाती है। ये कमज़ोरी शुरू में आपका वजन गिराएगी। वजन गिरने की वजह से क्रिएटिनिन डाउन होता है, हर 5 किलो पे 1 पॉइंट क्रिएटिनिन का कम हो जाता है। बट उसके बाद दिक्कत क्या होती है कि उस कमज़ोरी की वजह से और जो क्रिएटिनिन अब नीचे गया है वो दोबारा से बढ़ेगा, बट अब वो बढ़ेगा, डायलिसिस के नंबर बढ़ेंगे, बट शरीर कमज़ोर हो चुका होगा तो झेल नहीं पाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जिस तरह से रमेश चंद जी ने सही तरीके से अपना डायलिसिस बंद किया है, इसी रास्ते पे आपने चलना है। अपने शरीर को कमज़ोर नहीं होने देना है, खाना पीना नहीं छोड़ना है, अनाज नहीं छोड़ना है, दालें नहीं छोड़नी है, ठीक है जी। तो आपने खुद देखा कि किस तरह से क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो जाता है, वीकनेस बिल्कुल नहीं आती, पेशेंट की खाना खाने की जो क्षमता है वो पहले से ज़्यादा होती है। आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपकी बॉडी में एनर्जी है ना तो आपकी किडनी को एनर्जी मिलेगी, बट अगर आपकी बॉडी ही वीक है तो उसमें आपकी किडनी काम नहीं करने वाली बहुत लंबे टाइम तक। अगर आप इस बात को समझ जाते हो तो आपका आधा ट्रीटमेंट यहीं पर हो जाता है। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।